ये है वर्ल्ड का सबसे स्मार्टेस्ट रूबिक्स क्यूब, एंड शायद मैं बोल सकता हूँ वर्ल्ड का सबसे महंगा रूबिक्स क्यूब अगर मैं 3x3 की बात करूँ तो। एक्स मार्स क्यूब को मैं हटा देता हूँ इस लिस्ट से। तो आज के इस वीडियो में मैं इस क्यूब को खोलने वाला हूँ, एंड इसका मतलब खोलने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ इसके पीसेस को निकालूंगा, बट एक्चुअल में मैं इसमें देखने वाला हूँ कि एक्चुअल में एक स्मार्ट क्यूब के अंदर क्या होता है। और रीज़न क्या है इसका वो मुझे भी नहीं पता, बस मज़ा आ रहा है, सोच रहा हूँ कि यार कुछ अलग करूँ और चैनल पर, एंड देखते हैं कि इस स्मार्ट क्यूब में क्या होने वाला है। पूरा अच्छे से आज मैं खोलने वाला हूँ इसको, स्क्रू निकाल कर देखूंगा कि एक स्मार्ट क्यूब कैसे वर्क करता है। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे समझ में कुछ नहीं आएगा, बट हाँ देख कर काफ़ी मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी कि स्मार्ट क्यूब में क्या होता है एक्चुअल में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, एंड लेट्स सी कि इसमें क्या होता है। सो सबसे पहले मैं इसके पीसेस को निकाल लेता हूँ ताकि ईजी हो सके इनको तोड़ना, और एक्चुअल में दुख हो रहा है मुझे, बट मैं अपने सबसे स्मार्ट क्यूब एंड सबसे महंगे क्यूब को क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ये इसका रीज़न आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। और ऐसी हिम्मत मैंने कैसे की इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। सो देखते हैं कि क्या निकलता है इसके अंदर। सो ये मैंने पूरा क्यूब डिसमेंटल कर दिया है, एंड सबसे पहले इसके एज पीस और कॉर्नर पीस को देखता हूँ कि क्या इनमें थोड़ा सा भी खुलने का लग रहा है मुझे। सो एज पीस और कॉर्नर पीस मुझे नहीं लग रहे हैं कि इससे ज़्यादा खुलेंगे, बट हाँ मुझे इतना पता है कि इनमें LED लाइट्स लगी हुई हैं। सो एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, मैं तोड़ना नहीं चाहता, मैं इसे खोलना चाहता हूँ, फिर भी एक बार ट्राई करने में देख लेता हूँ कि ये खुल पाएगा या नहीं। तो एज पीस तो मुझे खुलने का लग नहीं रहा है, मैग्नेटिक क्यूब है तो कॉर्नर पीस एक बार देखता हूँ कि ये खुल पा रहा है या नहीं खुल पा रहा। सो बिल्कुल नहीं खुल पा रहे हैं ये एज पीस और कॉर्नर पीस तो नहीं खुल पा रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ दिखी जो कि स्क्रू थे। तो इनको देखकर मेरे दिमाग में ये ज़रूर आता है कि मैं इन स्क्रू को तो एटलीस्ट खोल ही सकता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको इसके सेंटर्स दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इनके सेंटर्स में क्या है इस गो क्यूब के, क्योंकि इसमें एक जायरोस्कोप भी है तो मे बी कुछ अलग हो। सो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कैसा अजीब सा मैकेनिज्म इसमें देखने को मिल रहा है, और ये आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड तो नहीं बोलूँगा इसको मैं, बट पता नहीं क्या है ये। तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, और इसके सारे पीसेस को देखता हूँ। मेन इसका चार्जिंग पॉइंट देखता हूँ कि यहाँ से ये चार्ज होता है, तो ये अलग होना चाहिए इससे क्योंकि बाकी किसी और जगह से ये चार्ज नहीं होता है। तो इसको देखता हूँ इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है। हाँ तो इसमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको एक मैग्नेट देखने को मिल रही है जो कि चार्जर को इसके स्टिक करने में हेल्प करती है, एंड यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। और ये इससे ज़्यादा आई थिंक नहीं खुल सकता, टूट जाएगा अगर मैंने इससे ज़्यादा खोलने की कोशिश की, तो फिर भी मैं एक बार आप लोगों के लिए ट्राई करने वाला हूँ। सो नहीं यार ये खुल नहीं पा रहा है, और देखते हैं बाकी सेंटर्स को भी निकाल कर कि ये कैसा है। यार एक तो पता है मैंने एक बात इसमें नोटिस की है कि इसके सारे सर्किट्स जो है ना वो अलग अलग है एक दूसरे से। जैसे अगर मैं इस वाले को निकालूं फिर मैं चारों को आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। देखो ये वाला सर्किट और अगर मैं बोलूं ये वाला सर्किट, ये दोनों सिमिलर हैं। ये वाला सर्किट बिल्कुल अलग है क्योंकि ये तो चार्जिंग वाला सर्किट है, ये बिल्कुल अलग है। लेट्स ओपन द ग्रीन वन, और फिर मैं बाद में स्क्रू खोल के दिखाऊंगा आपको कि अगर ये खुल पाया तो, बट मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। सो लेट्स काफ़ी दूर गया। इसका सर्किट भी उन दो सर्किट से बिल्कुल रिजेंबल करता है, एंड लास्ट वन इज़ दिस, और इसका भी काफ़ी अलग सा है। तो दिखने में तो ये काफ़ी वियर्ड लग रहा है। इसका मैं ये स्क्रू वाला एरिया खोलता हूँ, और मे बी ओपन ना हो पाए क्योंकि सेंटर से भी इससे कनेक्टेड है। सो एक बार देखता हूँ कि इसके स्क्रू खोल कर कि इसका कुछ मैकेनिज्म हमें समझ में आता है या नहीं समझ में आता है। सो काफ़ी अच्छे से लगा रखे हैं यार, आई डोंट नो कि ये खुलेंगे भी नहीं खुलेंगे। सो ये तो खुल चुके हैं, नेक्स्ट मैं इनको देखता हूँ। और ये भी हमारा खुल गया है शायद, थोड़ा सा और लूज़ करना पड़ेगा, बट लेट्स सी। बट आज मैं पता नहीं इसे क्यों खोल रहा हूँ, क्या दिमाग में आ रही है मेरे कि मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो स्क्रू तो खुले हैं बट ये नहीं खुल रहा है,
और इसका रीज़न यही है कि शायद ये सेंटर पीसेस जो हैं ये लगे हुए हैं, और देख मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इसमें और कैसे खोल सकता हूँ, और इनका स्क्रू का फ़ायदा क्या है मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि स्क्रू का मतलब यार इसको खुलना चाहिए बट ये खुल भी नहीं रहा है, और क्यों नहीं खुल रहा है ये भी नहीं पता मुझे। नहीं बिल्कुल भी, एकदम स्टक हो चुका है यार, बिल्कुल स्टक। आज मेरा फुल मूड था कि मैं इसको एकदम अच्छे से खोल दूंगा बट ये मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये खुलेगा। अगर इसका एक आध सर्किट भी निकल गया तो भी मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ, बट मन नहीं कर रहा है इसे तोड़ने का। सो और देखता हूँ कि कितना खुल पा रहा है, ये नहीं खुल रहा यार, बिल्कुल नहीं खुल रहा है। कोई इसका एज पीस देखता हूँ खुल पाए या नहीं खुल पाए, ये भी बिल्कुल एकदम ज़िद्दी है तो ये भी नहीं खुल पा रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इसके अंदर ही कुछ मैकेनिज्म है इसके जायरोस्कोप का। एक्चुअल में स्मार्ट क्यूब्स में मेनली यही वाला सर्किट होता है, जैसा अगर आप गैन के जितने भी स्मार्ट क्यूब्स देखेंगे उनमें भी यही सर्किट मिलेगा, बट इसमें अंदर कुछ है ऐसा जो नहीं खुल पा रहा है, पता नहीं क्या है, मुझे कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है, बट बहुत कोशिश करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा है। अब इसको मैंने इतना तोड़ने की हिम्मत कैसे की, मेरा सबसे महंगा क्यूब था यार ये। तो देयर इज अ ट्विस्ट इन दिस वीडियो, लेट मी शो यू। ये है मेरा गो क्यूब। तो ये क्या था एक्चुअल में यार, मेरे पास दो गो क्यूब थे जिनमें से एक मेरा खराब आया था जब मैं रिव्यू के लिए गो क्यूब ने भेजा था मुझे। तो ये गो क्यूब मैंने खोलने की हिम्मत की है, मैं अपने वर्किंग गो क्यूब को खोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, और मोस्टली लोगों ने शायद गेस कर लिया, अगर नहीं किया तो कमेंट करके बताना कि ये धोखा आपको कैसा लगा। ओके तो इसको नहीं खुल पा रहा है, बिल्कुल नहीं खुल पा रहा है, और लेट्स सी और हम नेक्स्ट वीडियो में क्या नया वियर्ड देखते हैं और किस क्यूब के अंदर क्या होता है वो देखते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर दो ऐसे क्रेजी रूबिक्स क्यूब वीडियोस के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।